मधुर मौन विचारों के अवसर पर मैं पुराने विचारों की सुध जगाता हूँ। मैं वीरेंद्र हिंदुस्तान की कहानी बताता हूँ। सच्चे अर्थों में नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। महात्मा गांधी की अगुवाई में उन्होंने आजादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। सन 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से देश आजाद हुआ और वह 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। भारत ही नहीं अपितु उन्हें दुनिया भर में एक धर्मनिरपेक्ष मानववादी राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर आवाज बुलंद की। एक महान राजनेता के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि एक लेखक के रूप में भी सर्वविदित है। उनकी पुस्तकों विश्व इतिहास की झलकियां, आत्मकथा और भारत की खोज को क्लासिक का दर्जा हासिल है। भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। पुस्तक रूप में यह प्रकाशित हुई 1946 में। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आजादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्धि संस्कृति धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों में इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। 6-7 दशक पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो इस महादेश की राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास को एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता में जानना समझना चाहते हैं। साथियों नमस्कार, हिंदुस्तान की कहानी के इस प्रथम भाग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। आप सब जहां हैं जैसे हैं वहीं से मेरे साथ इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। यात्रा का उद्देश्य होता है विभिन्न रास्तों और जगहों से होते हुए मंजिल तक पहुंचना। हमारी आपकी इस यात्रा का उद्देश्य है हिंदुस्तान के अतीत से वर्तमान को समझना। यात्रा की शुरुआत से पहले एक प्रश्न जो आप सबके मन में जरूर उठना चाहिए कि हिंदुस्तान है क्या और हिंदुस्तान के बनने की कहानी आखिर क्या है। जर्नी की शुरुआत हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बुक चैप्टर 3 से कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है तलाश। इस अध्याय को 10 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसका पहला भाग है हिंदुस्तान के अतीत का विशाल दृश्य। नेहरू जी कहते हैं इन दिनों यानी 1944-45 के आसपास का समय मेरे मन मस्तिष्क में केवल हिंदुस्तान नाम ही रमा था। मेरे मन में 2 तरीके की धाराएं चल रही थी। एक तरफ हिंदुस्तान को और समझने की व्याकुलता थी तो दूसरी तरफ मन में इससे उठने वाली मेरी अपनी प्रतिक्रिया। नेहरू जी कहते हैं कि इतनी व्याकुलता के बाद में मैं अपने बचपन के दिनों को याद करने लगा और मैं सोचने लगा कि बचपन में मेरे मन में क्या भाव थे, मैं हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचता था, मेरी क्या समझ थी और उन समझ के आधार पर क्या मैं हिंदुस्तान को आज समझ सकता हूं। साथियों इस वीडियो में आगे बढ़ने और नेहरू जी के नजरिए को समझने से पहले वीडियो को कुछ पल के लिए पॉज करिए और सोचिए कि आपके मन में बचपन में भारत के लिए क्या भावनाएं थी, भारत के बारे में आप क्या सोचते थे, आपकी क्या समझ थी। तो चलिए हिंदुस्तान के बारे में आपके मन मस्तिष्क में कुछ भावनाएं तो जरूर आ गई होंगी और उन्हीं भावनाओं के साथ में हम नेहरू जी के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। नेहरू जी आगे कहते हैं कि बचपन और आज की समझ ने उनके मन मस्तिष्क में अजीब अंतर्द्वंद उत्पन्न कर दिया था। नेहरू जी के शब्दों में, मेरे अनुभवों ने मुझ में गर्व भी पैदा किया और लज्जा भी। अंधविश्वास, तकियानुसी विचार और सबसे बढ़कर गुलामी और भयंकर गरीबी की हालत, इन सब ने उनके मन में एक लज्जा का भाव भर दिया था। साथियों अगर आप 1944-45 के जमाने में होते तो आपके मन में भारत को लेकर क्या शंकाएं होती, भारत को लेकर क्या चिंताएं होती और इन चिंताओं को दूर करने के लिए आप इसका समाधान कैसे ढूंढते। नेहरू जी कहते हैं कि ज्यों-ज्यों मैं बड़ा हुआ और उन कामों में लगा जिनसे हिंदुस्तान की आजादी की उम्मीद की जा सकती थी,
मैं हिंदुस्तान के ख्यालों में खोया रहने लगा। यह हिंदुस्तान है क्या जो मुझ पर छाया हुआ है और मुझे बराबर अपनी तरफ बुला रहा है। यह बात मुझे बहुत भीषण जान पड़ी कि हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क, जिसका इतना पुराना और शानदार इतिहास है, जिसका हाथ पैर जकड़ा हुआ है और जो किसी दूसरे टापू के बस में है, और वह दूसरा देश उस पर अपनी मनमानी कर रहा है। जबरदस्ती के इस मेल का नतीजा ही हमारी गरीबी और गिरी हुई हालात है, नेहरू जी कहते हैं। लेकिन जो सवाल मेरे मन में उठ रहे थे, उनकी तस्कीन के लिए इतना काफी ना था। अगर हम हिंदुस्तान के भौतिक और भौगोलिक पहलुओं को छोड़ दें, तो आखिर हिंदुस्तान है क्या? गुजरे हुए जमाने में हिंदुस्तान के सामने क्या मकसद था? कौन सी ऐसी चीज थी जिससे हमारे देश को ताकत हासिल होती थी, और किस तरह हमारा हिंदुस्तान अपनी पुरानी ताकत खो बैठा? और क्या हिंदुस्तान ने यह ताकत पूरी तरह खो दी है? इतनी बड़ी जनसंख्या के अलावा क्या कोई ऐसी चीज जिंदा है जिसकी वह नुमाइंदगी करता है? आज की दुनिया में हिंदुस्तान की स्थिति क्या है? नेहरू जी आगे कहते हैं कि ज्यों ज्यों मैंने इस बात का अनुभव किया कि हिंदुस्तान का दूसरे देशों के साथ अलग रहना नामुनासिब है और नामुमकिन भी, त्यों त्यों मेरा ध्यान इसके अंतर्राष्ट्रीय पहलू की तरफ भी जाता रहा। आने वाले जमाने की जो शक्ल मेरे सामने बन रही थी, वह ऐसी थी जिसमें हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के बीच में राजनीति, व्यवसाय और संस्कृति का गहरा मेल और रिश्ता होगा। लेकिन आने वाले जमाने की बात तो बाद में उठती थी, पहले तो हमारे सामने मौजूदा जमाना था, और इस मौजूदा जमाने के पीछे एक लंबा और उलझा हुआ अतीत था जिसने कि मौजूदा जमाने की रूपरेखा बनाई थी। और इसलिए इन सब बातों को समझ पाने की गरज से मैंने हिंदुस्तान की अतीत का सहारा लिया। नेहरू जी आगे कहते हैं कि भारत को जानने और भारत को समझने के लिए मैं एक विदेशी आलोचक की हैसियत से या एक विदेशी व्यक्ति के हैसियत से मैं भारत को जानने के लिए चल पड़ा। मैं इस बात के लिए उत्सुक और फिक्रमंद था कि उसके नजरिए और उसकी रूपरेखा को बदल दूं और उसे हाल के जमाने का जामा पहनाऊं। फिर भी जी में संदेह उठते थे। मैं जो उसके अतीत की देन को मिटाने का साहस करने जा रहा था, क्या मैं हिंदुस्तान को ठीक ठाक समझ सका था? यह सही है कि हमारे सामने बहुत कुछ ऐसा था जिसे कि मिटा देना ही मुनासिब था, लेकिन अगर हिंदुस्तान में कोई ऐसी चीज ना होती जो कि कायम रहने के काबिल और जिंदा थी और जिसकी सचमुच कीमत थी, तो यह यकीनी है कि हजारों साल तक वह अपनी तहजीब और वजूद को कायम ना रख सकता था। आखिर यह चीज क्या थी? उत्तर पश्चिमी हिंदुस्तान की सिंध घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर मैं खड़ा था। मेरे इर्द गिर्द इस कदीम शहर के मकान थे और गलियां थी। कहा जाता है कि यह शहर 5000 साल पहले मौजूद था और उस वक्त भी यहाँ एक पुरानी और विकसित सभ्यता कायम थी। प्रोफेसर चाइल्ड लिखते हैं, सिंध सभ्यता एक खास वातावरण में आदमी की जिंदगी का पूरा संगठन जाहिर करती है और यह सालों साल की कोशिशों का ही नतीजा हो सकती है। यह एक टिकाऊ सभ्यता थी, उस वक्त भी उस पर हिंदुस्तान की अपनी छाप पड़ चुकी थी और यह आज की हिंदुस्तानी संस्कृति का आधार है। यह एक बड़े अचरज की बात है कि किसी भी तहजीब का इस तरह 5 या 6 हजार वर्षों का अटूट सिलसिला बना हो, और वह भी इस रूप में नहीं कि वह स्थिर और गतिहीन हो, क्योंकि हिंदुस्तान बराबर बदलता और तरक्की करता रहा है। ईरानियों, मिश्रियों, यूनानियों, चीनियों, अरबों और भूमध्य सागर के लोगों से इसका गहरा ताल्लुक रहा है, लेकिन बावजूद इस बात के कि उसने इन पर असर डाला और इससे असर लिया, उसकी तहजीबी बुनियाद इतनी मजबूत थी कि यह आज भी कायम रह सकी। इस मजबूती का रहस्य क्या है? यह मजबूती आई कहां से? साथियों, नेहरू जी आखिर सिंध सभ्यता को भारतीय संस्कृति का आधार क्यों कहते हैं? इस बात पर आप जरूर विचार करें। नेहरू जी कहते हैं कि मैंने हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ा और उसके विशाल प्राचीन साहित्य का एक एक अंश भी देखा, उस विचार शक्ति का, साफ सुथरी भाषा का और ऊंचे दिमाग का जो इस साहित्य के पीछे था, इन सब का मुझ पर बहुत ही बड़ा गहरा असर हुआ। चीन के और पश्चिमी और मध्य एशिया के उन महान यात्रियों के साथ जो बहुत पुराने जमाने में यहाँ आए और जिन्होंने अपने सफरनामे लिखे, मैंने हिंदुस्तान की सैर की। पूर्वी एशिया, अंगकोर और बहुत सी जगहों में
हिंदुस्तान ने जो कर दिखाया था उस पर मैंने गौर किया। मैं हिमालय में भी घूमा, जिसका हमारी उन पुरानी कथाओं और उपाख्यानों में संबंध रहा है जिन्होंने हमारे विचार और साहित्य पर इतना प्रभाव डाला है। नेहरू जी आगे कहते हैं, पहाड़ों की मोहब्बत और कश्मीर से अपने संबंध ने मुझे खास तौर पर पहाड़ों की तरफ खींचा और वहां मैंने महज आज की जिंदगी ही नहीं बल्कि उसकी शक्ति और सौंदर्य को भी देखा। उन नदियों ने जो इस पहाड़ी सिलसिले से निकलकर हिंदुस्तान के मैदानों में बहती हैं मुझे अपनी तरफ खींचा और अपने इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद दिलाई। सिंधु, जिससे हमारा देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा और जिसे पार करके हजारों वर्षों से न जाने कितनी जातियां, फिरके, काफिले और फौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र, जो इतिहास की धारा से अलग रही है, पुरानी कथाओं में जीवित है और पूर्वोत्तर पहाड़ों के गहरे दरारों के बीच से रास्ता बनाकर हिंदुस्तान में आती है और फिर शांतिपूर्वक और मनोहारी प्रवाह के साथ पहाड़ों और जंगलों के बीच से बहती है, और गंगा, जिससे बढ़कर हिंदुस्तान की कोई दूसरी नदी नहीं, जिसने हिंदुस्तान के हृदय को मोह लिया है और जो इतिहास के आरंभ से न जाने कितने करोड़ों लोगों को अपने तट पर बुला चुकी है। गंगा की उसके उद्गम से लेकर सागर में मिलने तक की कहानी पुराने जमाने से लेकर आज तक के हिंदुस्तान का संस्कृति और सभ्यता की, साम्राज्यों के उठने और नष्ट होने की, विशाल और शानदार नगरों की, आदमी के साहस और साधना की, जिंदगी की पूर्णता की और साथ ही साथ त्याग और वैराग्य की, अच्छे और बुरे दिनों की, विकास और ह्रास की, जीवन और मृत्यु की कहानी है। अतीत के इस यात्रा में नेहरू जी आगे कहते हैं कि मैंने अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और दूसरी जगहों के स्मारकों, खंडहरों, पुरानी मूर्तियों और दीवारों पर बनी चित्रकारी को देखा और आगरा और दिल्ली की बाद के जमाने की इमारतें भी देखी, जिनके एक एक पत्थर हिंदुस्तान के गुजरे हुए वक्त की कहानी कहते हैं। अपने ही शहर इलाहाबाद में या हरिद्वार के स्नानों में या कुंभ मेले में मैं जाता और देखता कि वहां लाखों लोग गंगा में नहाने के लिए आते हैं, उसी तरह जिस तरह की उनके पुरखे सारे हिंदुस्तान से हजारों बरस पहले से आते रहे। उस समय के मेले बड़े प्राचीन माने जाते थे और कब से इनका आरंभ हुआ या कहा नहीं जा सकता। मैंने सोचा यह भी कितना गहरा विश्वास है जो हमारे देश के लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से इस मशहूर नदी की ओर खींचता रहा है। मेरी इन यात्राओं ने और उनके साथ हुए सभी बातें थीं जिन्हें मैंने पढ़ रखा था, मुझे बीते हुए युग की झांकी दिखाई दी। अब तक जो एक कोरी दिमागी जानकारी थी उसमें दिली कदरदानी शामिल हुई और रास्ता रास्ता हिंदुस्तान की मेरी दिमागी तस्वीर में असलियत की जान पड़ने लगी और मुझे अपने पुरखों की भूमि जीते जागते लोगों से बसी हुई दिखाई पड़ी और ऐसे लोगों से बसी हुई थी जो हंसते भी थे, रोते भी थे, जो मोहब्बत करना जानते थे और दुख सहना भी, और उनमें से ऐसे थे जो जिंदगी का अनुभव रखने वाले और उसे समझने वाले थे और उन्होंने अपने बुद्धि के जरिए ऐसी इमारत तैयार की थी जिसने हिंदुस्तान को एक तहजीबी पायदारी दी और वह हजारों साल तक कायम रही। इस गुजरे हुए जमाने की सैकड़ों जीती जागती तस्वीरें हमारे दिमाग में फिर रही थी और जब मैं किसी खास जगह जाता जिससे उनका ताल्लुक होता तो वो मेरे सामने आ जाती। बनारस के पास सारनाथ में मैं बुद्ध को अपना पहला उपदेश देते हुए करीब करीब देख सकता था और उनके वह शब्द जो लिखे जा चुके हैं 2500 साल बाद भी एक दूर की प्रतिध्वनि की तरह सुनाई दे रहे थे। अशोक की लाटें जिन पर लेख खुदे हुए हैं अपनी शानदार भाषा में एक ऐसे इंसान का हाल बताती हैं। फतेहपुर सीकरी में अकबर अपनी सल्तनत की शान को भूलकर सभी मजहबों के आलिमों से कुछ नई बातें सीखने और इंसान की हमेशा हमेशा की पहेली का हल पाने की गरज से बहस करने बैठता। इस तरह राफ्ता राफ्ता हिंदुस्तान के इतिहास का शानदार नजारा सामने आता था और इसमें अच्छे दिन और बुरे दिन, जीत और हार दोनों ही दिखाई देते थे। 5000 साल के इतिहास, हमलों और उथल पुथल के बीच कायम रहने वाली इस संस्कृति की परंपरा में मुझे कुछ अनोखापन जान पड़ा, उस परंपरा में जो आम लोगों में फैली हुई थी और हिंदुस्तानियों पर गहरा असर डाल रही थी। साथियों, सिर्फ चीन ही एक ऐसा मुल्क है जहां पर ऐसी अटूट परंपरा और तहजीबी जिंदगी दिखाई देती है। फिर नेहरू जी आगे कहते हैं, हमारे अतीत की यह गौरवशाली विशाल तस्वीर धीरे धीरे मौजूदा जमाने की बदनसीबी में बदल जाती है। आज जबकि हिंदुस्तान अपने
बीते दिनों के बड़प्पन के बावजूद एक गुलाम मुल्क है और इंग्लिस्तान का पुछल्ला बना हुआ है और सारी दुनिया एक भयानक और विध्वंसकारी लड़ाई के सिकंजे में है। नेहरू जी आगे कहते हैं कि 5000 वर्षों की कल्पना ने मुझे एक नई निगाह दी और हाल के जमाने का बोझ कुछ हल्का जान पड़ने लगा। अंग्रेजी सरकार की 180 साल की हुकूमत हिंदुस्तान की लंबी कहानी की महज एक दुखदायी घटना जान पड़ी। मेरा हिंदुस्तान फिर से संभलने लगा है और मेरे इस अध्याय के आखिरी सफ़े का लिखा जाना शुरू हो गया है। निश्चित रूप से दुनिया भी इस दहशतनाक हालत को पार करेगी और एक नई नींव पर अपना निर्माण करेगी। साथियों, हिंदुस्तान के इस अतीत गौरवशाली संस्कृति और धरोहर ने नेहरू जी के मन में एक बेहतर भविष्य को लेकर नई उम्मीद जगा दी है। उनका यह विश्वास है कि अंग्रेजों की हुकूमत महज एक दुखदायी घटना है। उनके शब्दों में हिंदुस्तान निश्चित रूप से अतीत से सीखते हुए निरंतर अनवरत विकास की नई गाथा को लिखता जाएगा। जाते जाते कुछ प्रश्न जिन पर आपको विचार करना है और कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जरूर दें। हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान की शक्ति क्या है और आज की दुनिया में हिंदुस्तान की स्थिति क्या है? साथियों, आज के इस भाग में इतना ही। मिलते हैं हिंदुस्तान की कहानी के अगले भाग में, जहां हम समझेंगे नेहरू जी के नजरिए से हिंदुस्तान की ताकत और कमजोरियां क्या हैं।